हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सचिन बंसल फ्रॉम एसओएल अपडेट्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशन से होके गुजरता है, यानी कि हमारा जो टॉपिक है आज वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मैंने एक धमाकेदार टॉपिक आपके लिए चुना है, ऐसा टॉपिक जिसके बारे में जानते सब होंगे, लेकिन डीप में हम यहाँ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो वर्ल्ड वॉर टू के बारे में, वर्ल्ड वॉर टू के क्या क्या कारण रहे इस वीडियो के अंदर हम उसमें जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर टू किस कारण से हुई और क्या किस किस वजह से हम वर्ल्ड वॉर टू को रोक सकते थे। अगर उन कारणों को हम रोक देंगे तो सिंपल तो वर्ल्ड वॉर टू भी शायद नहीं होती। तो क्या क्या कारण रहे और जो कारण हमें भविष्य के अंदर नहीं दोबारा से पैदा होने देने, उन कारणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड वॉर टू विश्व युद्ध द्वितीय जो है हमारा वो 1 सितंबर कब शुरू हुआ, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने जब पोलैंड पे अटैक किया तभी ये जो हमारा वर्ल्ड वॉर टू है, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, ये शुरू हो गया। ये जो युद्ध था ये दो पावर्स के बीच में था। वो पावर्स कौन कौन सी थी? वो पावर्स थी आपकी एलाइड पावर्स और दूसरी तरफ आपकी एक्सिस पावर्स। जब मैं एलाइड पावर की बात करता हूं तो एलाइड पावर में मेरे पास कौन है? यूएसए, द मोस्ट पावरफुल स्टेट, यूएसएसआर, जिसे आज के टाइम में हम रशिया भी कहते हैं। उसके बाद आपका फ्रांस, चाइना, चाइना का खैर ज़्यादा रोल नहीं था बट फिर भी हमारा चाइना, और ब्रिटेन, ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा रोल था इसके अंदर। जब हम एक्सिस पावर की बात करते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी ताकतें एक साथ, तो इसके खिलाफ में कौन खड़ा था? ऐसी कौन सी ताकतें थी, ऐसी कौन सी स्टेट थी जिन्होंने ज़रूरत थी इनके सामने खड़े होने की? तो उनमें से अगर मैं पहला नाम बताऊँ तो पहला नाम था जर्मनी का, जहाँ पर उस टाइम हिटलर का शासन हुआ करता था, हिटलर रूल करता था जर्मनी को। दूसरा अगर मैं नाम बताऊं तो इटली का, इटली में उस टाइम एक डिक्टेटर थे जिनका नाम था मुसोलिनी। और तीसरा नाम है जापान, आज के टाइम में भी जापान बहुत पावरफुल है लेकिन उस टाइम जापान के अंदर डिक्टेटरशिप थी। तो ये तीन नाम है, जर्मनी, इटली, जापान, ये तीनों जो थे ये तीनों के तीनों एक्सिस पावर से बिलोंग करते थे। और ये जो फाइट थी ये एक्सिस वर्सेज एलाइड थी, एलाइड वर्सेज एक्सिस थी। इस वॉर के बाद एक चीज तो फिक्स हो गई, इस वॉर के बाद जितना भी कॉलोनिज्म है और इंपेरियलिज्म है ये खत्म होने को आ गया, यानी जितनी भी थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनके अंदर इंडिपेंडेंस को लेके काफी ज्यादा जोश आया और उनमें से बहुत सारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। यानी वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन है एंड इंपेरियलिज्म है वो स्लो डाउन पे आ गया और वो प्रोसेस जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन ये जो वर्ल्ड वॉर टू है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड वॉर टू हुई क्यों और क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि इन तीन कंट्रीज को, इन तीन स्टेट्स को, इन बड़े बड़े देशों पे हमला करना पड़ा? तो जब मैं बात करता हूँ वर्ल्ड वॉर टू की, तो वर्ल्ड वॉर टू में शुरुआत काम जो है वो जर्मनी ने किया। जर्मनी में कई सारी पॉलिसीज जर्मनी पे इस तरह की लगाई गई थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, जिससे जर्मनी पूरी तरह से बौखला गया था, जर्मनी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और वो जो पॉलिसीज थी बहुत ही हार्श कंडीशन अप्लाई की गई थी किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। किसने की थी? जो लोग जीते थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीते थे, उन लोगों ने जर्मनी के ऊपर इतनी ज़्यादा खूंखार, इतनी ज़्यादा हार्श कंडीशन लगा दी थी जिसकी वजह से जर्मनी कुछ कर ही नहीं सकता था, वो तो ज़िंदगी में कभी सुपर पावर भी बनने की नहीं सोच सकता था। इस तरह की कंडीशन जर्मनी के ऊपर लगाई गई, लेकिन जर्मनी ने इन सबसे ऊपर उठ के देखा। जर्मनी में जब हिटलर जैसा शासक आया तो जर्मनी ने अपनी पूरी ताकत को बटोरते हुए एडोल्फ हिटलर जो उनके लीडर थे उनकी मदद से उन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रिया को एनेक्स किया। ऑस्ट्रिया को कब एनेक्स किया उन्होंने? सितंबर के महीने में 1938। किसको एनेक्स किया? ऑस्ट्रिया को। उसके बाद उन्होंने सडनलैंड को एनेक्स किया। उसके बाद मार्च 1939 में उन्होंने चेकोस्लोवाकिया को भी, किसने? हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को भी एनेक्स कर दिया। उसके बाद हिटलर ने मुसोलिनी के साथ मिलकर और यूएसएसआर के स्टालिन के साथ मिलकर, उस टाइम यूएसएसआर में भी डिक्टेटरशिप थी, उसे हम कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप बोलेंगे, और वो स्टालिन की थी, स्टालिन के साथ मिलकर एक आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट को देखते हुए देखा कि भाई तीन बड़ी बड़ी पावर आपस में मिल रही है, जो आपके ब्रिटेन है और जो फ्रांस है, इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया। इसमें था ब्रिटेन, फ्रांस और आपका पोलैंड, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड, इन तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया आपस में, म्यूचुअल असिस्टेंस का एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया कि आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे वक्त आने पे। जब हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया, कब किया पोलैंड पे हमला? 1 सितंबर 1939 को। तो उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन, इन दोनों ने वॉर डिक्लेयर कर दी जर्मनी के ऊपर, जहां से हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू आरंभ हुआ, वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ।
अब हम बात करते हैं, आ जाते हैं कॉजेज के ऊपर। तो कॉजेज क्या क्या थे वर्ल्ड वॉर टू के। अगर मैं पहले कॉजेज की बात करूं तो पहला कॉज था आपका ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स। वर्ल्ड वॉर वन के बाद आप लोगों ने, जिन्होंने पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स बनाई गई थी। जिन्होंने नहीं पता वो मेरी अगली वीडियोस का इंतजार करें, उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स क्या थी। ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स में क्या हुआ था कि जितने भी जीतने वाली ताकतें थी उन्होंने जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन पुट कर दी थी। इतनी ज़्यादा हार्श कंडीशन पुट कर दी थी कि जर्मनी कभी सुपर पावर नहीं बन सकता था। जर्मनी पे बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए गए। जर्मनी को कहा गया कि भाई तुम्हारी वजह से हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, वो नुकसान कौन झेलेगा, जर्मनी ही झेलेगा। कैसे झेलेगा भाई, जर्मनी के पास पैसे तो है नहीं इस टाइम, तो नुकसान कैसे भरेगा। पहले वो यूएसए से लोन लेगा, ठीक है, उसके बाद वो जो यूरोपियन कंट्री है उनका लोन, उनको पैसे देगा, उसके बाद उस यूएसए के लोन को चुकाएगा जिंदगी भर तक। तो इस तरह की हार्श कंडीशन जर्मनी के ऊपर जब लगाई गई, जर्मनी का जो, अगर मैं लैंड के बारे में बात करूं तो जर्मनी ने अपना 15% जो एरेबल लैंड था उसका, जो फर्टाइल लैंड था उसका, वो उसे खोना पड़ा। इसके अलावा 12% उसकी जो इंडस्ट्रियल लैंड थी उसे वो भी खोनी पड़ी। उसके ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस एक्ट लगा दिए गए कि आप इतने ज़्यादा वेपन नहीं रख सकते, इतनी आर्मी नहीं रख सकते, इतना ये नहीं कर सकते, इतना वो नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों से जर्मनी फ्रस्ट्रेट हो गया, जर्मनी के लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। और ऐसे समय पे उदय होता है, ऐसे समय पे राइज होता है हिटलर का। हिटलर एक ऐसा आदमी जो जर्मन्स को बता रहा है कि जर्मन्स को डरने की जरूरत नहीं है, वो जर्मन्स को तैयार करता है, खड़ा करता है किसके खिलाफ, एक्सिस एलाइड पावर्स के खिलाफ वो खड़ा करता है। वो कहता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारे साथ ये जो गलत किया है इसके खिलाफ मैं लड़ूंगा, और हिटलर एंड तक वही करता रहता है। तो जो ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स में जो हार्श कंडीशन लगाई गई थी जर्मनी के ऊपर, ये सारी हार्श कंडीशन की वजह से जर्मनी जो है उसके अंदर एक गुस्सा था अपनी हार का। अगर ये हार्श कंडीशन शायद ना लगाई गई होती तो आज वर्ल्ड वॉर टू नहीं हुई होती। दूसरे टॉपिक पे आते हैं हम। दूसरा है फेलियर ऑफ द लीग। लीग किसकी बात कर रहा हूँ जी, लीग ऑफ नेशन। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि आज के टाइम में हमारे पास यूनाइटेड नेशंस है, उसी तरह यूनाइटेड नेशन से पहले था लीग ऑफ नेशंस। जी हाँ, लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल हो गया था वर्ल्ड वॉर वन के बाद। सब लोगों ने सोचा कि भाई शांति की स्थापना की जाए, तो भाई शांति की स्थापना करने के लिए एक लीग बनाई जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई लीग ऑफ नेशन। अब लीग ऑफ नेशन बन तो गई लेकिन उसमें खामियां रह गई। खामियां क्या थी लीग ऑफ नेशन में, खामियां ये थी भाई कि लीग ऑफ नेशन में ना तो अमेरिका पार्ट था और ना ही यूएसएसआर पार्ट था। अब भाई जब दुनिया के दो बड़ी ताकतें उसका पार्ट है ही नहीं उस अलायंस का, तो चलेगा कैसे, काम तो चलेगा ही नहीं। अब जब काम नहीं चला तो वही लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। इसके अलावा कैसे लीग ऑफ नेशन फेल हो गई, जब जापान ने मंचूरिया पे अटैक किया तब कुछ नहीं हुआ, जापान ने जब चाइना पे अटैक किया, लीग ऑफ नेशन ने जापान को थ्रेटन किया कि भाई आप इस तरह से मत कीजिए, ठीक है। लेकिन जापान ने क्या किया, जापान ने उसकी एक नहीं सुनी और जापान ने लीग की सदस्यता छोड़ दी। उसके बाद एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। 1935-36 में इटली ने ऑक्यूपाई कर लिया किसको, इथोपिया को और अल्बेनिया को ऑक्यूपाई कर लिया। लीग ने क्या किया, लीग ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की कोशिश की इटली पर, इकोनॉमिक सैंक्शन चल नहीं पाई। क्यों भाई, जब सारे देश सपोर्ट करेंगे तभी तो इकोनॉमिक सैंक्शन चलेगी। किसी देश ने सपोर्ट किया नहीं, किसी को लेना देना नहीं था। जब भाई सपोर्ट करोगे नहीं तो इकोनॉमिक सैंक्शन लग नहीं सकते। इटली ने भी धीरे धीरे करके लीग ऑफ नेशन छोड़ दी। उसके बाद जब जर्मनी ने ट्रीटी ऑफ वर्सायल और जो लोकार्नो पैक्ट था उस दोनों को, उसका उल्लंघन किया और राइनलैंड के अंदर अपनी मिलिट्री स्टैब्लिश करने की कोशिश की, तो उस टाइम और ऑस्ट्रिया पे हमला किया, चेकोस्लोवाकिया पे हमला किया, लीग ऑफ नेशन जैसे आंखों पे पट्टी बांध के बैठ गया, क्योंकि उसके पास कोई भी पावर्स ऐसी नहीं थी कि वो कुछ कर सकता था, ठीक है जी। पावर्स होते हुए भी नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम जो यूरोपियन कंट्रीज थी मोस्टली उनका तो फेद ही खत्म हो गया था लीग ऑफ नेशन से। उसमें बड़ी पावर्स थी नहीं, कौन करने वाला था, कोई करने वाला नहीं था। तो ऐसे ही लीग ऑफ नेशन धीरे धीरे करके समाप्त हो गया और उसका पूरी तरह पतन हो गया। लीग ऑफ नेशन इसी वजह से फेल रही। तीसरी बात करते हैं डिसआर्मामेंट। अब भाई डिसआर्मामेंट क्या, एक पॉलिसी बनाई गई वर्ल्ड वॉर वन के बाद। पॉलिसी क्या बनाई गई भाई, पॉलिसी बनाई गई कि अब दोबारा वर्ल्ड वॉर ना हो। तो दोबारा वर्ल्ड वॉर ना होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई जो तुम्हारे पास हथियार है वो छोड़ दो, इतने ही हथियार रखो जितनी आपकी देश की सुरक्षा के लिए चाहिए, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हथियार है उन्हें छोड़ दो। तो भाई अब जो जीते हैं उन्होंने कहा ठीक है हम इस पे काम करेंगे, और धीरे धीरे उन्होंने खुद से कमिटमेंट ली कि हम लोग डिसआर्मामेंट करेंगे। पहले तो जर्मनी से सारे हथियार रखवा लिए अपने पास, उसके बाद खुद की जब बारी आई तो कहा कि हम करेंगे। करने वाला कोई था नहीं क्योंकि वो इनके इंटरेस्ट में नहीं था।
ठीक है, किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं होता कि वो अपने वेपन्स छोड़ दे। तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी उन्होंने अपने वेपन्स नहीं छोड़े, जो जीती हुई विक्टर्स कंट्री थी उन्होंने अपने वेपन्स नहीं छोड़े। अब जब आप वेपन्स नहीं छोड़ोगे, एक बार जब जर्मनी हिटलर ने ऐसे ही कहा कि भाई आप लोगों ने हमारे तो सारे वेपन्स रखवा लिए, लेकिन जब आपके वेपन्स खुद के रखने की बारी आ रही है तो आप वेपन्स रख नहीं रहे हो। तो फिर इसी चीज़ को देखते हुए इस पर पूरी तरह नेग्लिजेंस दिखाई वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू होने में वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस दिखाई जर्मनी और इटली के प्रति, जिस वजह से पॉलिसी ऑफ डिसआर्मेंट पूरी तरह से फेल हो गई। अब बात करते हैं चौथी, यानी कि पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण। जी हाँ, जो ब्रिटेन है और फ्रांस है वो किसी टाइम में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते थे यूरोप के अंदर, और आज भी करते हैं देखा जाए तो। लेकिन उस टाइम अमेरिका जैसी बड़ी ताकत से भी बड़ी ताकतें थी ब्रिटेन और फ्रांस, जिन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा किया है अपना। ब्रिटेन और फ्रांस ये अंदाज़ा लगाने में चूक गए कि जर्मनी और इटली, यानी कि हिटलर और मुसोलिनी आने वाले टाइम में उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। उन्हें लगा कि इन्हें प्यार से समझा सकते हैं, काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो थी वो उनकी पूरी तरह से, जो आपकी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो हिटलर है और जो मुसोलिनी है वो इतने ज़्यादा राइज कर गए, उन्हें पहले ही इसका थोड़ा सा अंदाज़ा होता तो वो ऐसा नहीं होने देते। इन्हें हमेशा से लगा कि जो हिटलर है और जो मुसोलिनी है वो कम्युनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, और भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा था कि भाई ये अच्छा है कम्युनिस्ट फोर्सेस से लड़ते रहें, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कम्युनिस्ट फोर्स को आने देना नहीं चाहते थे अपनी डेमोक्रेसी के अंदर। तो उन्हें लगा कि हिटलर है मुसोलिनी है ये कम्युनिस्ट फोर्सेस से लड़ रहे हैं, लेकिन असल बात क्या थी? असल बात तो वो कुछ और ही करना चाह रहे थे, वो तो अपने ही काइंड की डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो जर्मनी और जो ब्रिटेन है और फ्रांस है वो अंदाजा लगाने में चूक गया कि ब्रिटेन और आपका इटली, सॉरी आपका जर्मनी और इटली एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई आपकी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की बात। अब मैं एक थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, यहाँ जो जर्मनी है उसमें राज किसका था? हिटलर का राज था। अब जब जर्मनी में हिटलर का राज था तो ऐसे राज को हमने कहा नाज़िज़्म। क्यों कहा नाज़िज़्म? क्योंकि जो हिटलर था वो नाजी लोगों के प्रति, नाजी लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि लीडर था नाजियों का, और उसके लिए नाजी लोग ही सब कुछ थे। तो उसके जो पूरी जो फिलॉसफी है हिटलर की, उसे हमने नाजिज्म का नाम दिया। आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, नाजिज्म के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है मैंने ऑलरेडी एडोल्फ हिटलर के बारे में। दूसरा, अगर मैं इटली की बात करूँ तो इटली में थे मुसोलिनी, और मुसोलिनी की जो आइडियोलॉजी है जो इटली में उस टाइम हुआ, उसे नाम दिया गया पॉलिटिकली फासिज्म। क्या नाम दिया गया? फासिज्म। अच्छा, जापान में जो हुआ, जापान में जो चीज हुई उसको हमने नाम दिया है मिलिटेंट डिक्टेटरशिप। मिलिटेंट डिक्टेटरशिप। और जो यूएसएसआर में हो रहा था उसे इन लोगों ने नाम दिया कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप। और भाई फिर आप कहोगे कि ब्रिटेन क्या है, फ्रांस क्या है, यूएसए क्या है? तो ये लोग अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाते थे, और ये कहते थे कि हमारी लड़ाई इन सब फोर्सेस के खिलाफ है। ठीक है जी, अगले पॉइंट पे आते हैं, आइडियोलॉजिकल फैक्टर। अच्छा, तो आइडियोलॉजिकल फैक्टर क्या थे? आइडियोलॉजिकल फैक्टर जो मैंने अभी बताया वही आइडियोलॉजिकल फैक्टर है आपके, यानी कि डेमोक्रेसीज वर्सेस डिक्टेटरशिप। जो आइडियोलॉजी है कंट्रीज़ की उनके बीच में ये फाइट थी। किन किन के बीच में फाइट थी? ये डेमोक्रेसी वाली कंट्रीज़ और डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ के बीच में फाइट थी। दैट इज़ नोन एज आइडियोलॉजिकल फाइट, और दिस इज़ द आइडियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ कॉजिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, इसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ, माइनॉरिटीज़। देखो, जब जर्मनी को बांट दिया गया, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद, तो ये जो कंट्रीज जो जीती थी, अमेरिका जैसी कंट्री, इन्होंने अपनी मर्जी से किसी भी तरह से जो लैंड है उसे डिवाइड कर दिया, ये बिना सोचे हुए कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी है उसका क्या होगा, क्या वो माइनॉरिटी दूसरे लोगों के साथ रहना चाहती है या वो नहीं रहना चाहती, इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। जब ध्यान नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? डिससेटिस्फेक्शन आएगी माइनॉरिटी में। अब जब डिससेटिस्फेक्शन आएगी माइनॉरिटी में तो कौन फ़ायदा उठाएगा? जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वहाँ पर है उस जैसे लोगों से मिला हुआ अगर कोई देश और है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ पोलैंड, पोलैंड में नाजी भी थे और ज्यूज भी थे। अब नाजी माइनॉरिटी में, तो नाजी की सुरक्षा करने कौन आएगा? जर्मनी आएगा, क्योंकि जर्मनी में नाजी नाजी भरे हुए हैं।
तो इन जर्मनी ने मौका नहीं गवाया, जर्मनी ने कहा यहाँ तो मेरी माइनॉरिटी, यहाँ तो जो हमारे लोग हैं वो माइनॉरिटी में और उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है, ऐसे में मुझे पोलैंड को एनेक्स कर लेना चाहिए। 2 दिन लगे थे कुल पोलैंड को एनेक्स करने में और हिटलर ने पोलैंड को एनेक्स कर लिया था चुटकियों में। इसी तरह जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जब भी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में हिंदूज़ हैं, नेपाल में हिंदूज़ हैं, सॉरी नेपाल का कम नाम आता है, बांग्लादेश में हिंदूज़ हैं क्योंकि वहाँ माइनॉरिटी में है हिंदूज़, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, तो मोस्टली हम बात करते हैं कि इंडिया को इन हिंदूज़ के लिए कुछ करना चाहिए, जो माइनॉरिटी क्लब है उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आती है कि जो माइनॉरिटी का इशू था, जो डिससेटिस्फेक्शन था माइनॉरिटी के अंदर, तो आप इसके हेडलाइन डालोगे डिससेटिस्फेक्शन अमंग माइनॉरिटीज़, तो जो डिससेटिस्फेक्शन था माइनॉरिटीज़ का उन्होंने इन्हें उत्साहित किया वहाँ जाने के लिए। अच्छा जी, सातवां फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर। भाई पैसा तो सबको चाहिए, अब भाई पैसा चाहिए तो पैसा देश किस फॉर्म में पैसा चाहता है, रो मटेरियल की फॉर्म में पैसा चाहता है। यहाँ जो तीनों देश हैं जर्मनी, इटली, जापान, इन तीनों के पास रो मटेरियल सबसे कम है और जो थोड़ा बहुत था वो इन लोगों ने छीन लिया था, जर्मनी जैसे देश से छीन लिया था। अब जर्मनी जो था वो तो फ्रस्ट्रेटेड था पहले, इटली था उसे लगता था भाई मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, मेरी कंट्री पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे, मेरी बात नहीं सुनता इंटरनेशनल वर्ल्ड, तो ये वैसे फ्रस्ट्रेटेड था। और जापान की तो अपनी ही कहानी अलग चल रही थी। तो इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर रॉ मटेरियल बिल्कुल नहीं था और रॉ मटेरियल के लिए, यानी कि जो इकोनॉमिक फैक्टर में बता रहा हूँ, रॉ मटेरियल उसके लिए ये तीनों फ्रस्ट्रेट थे और ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्री को हम कवर करें, अपने आप में एक्सपेंशन चाहते थे ये, ठीक है, एक्सपेंशन की वजह से जो इनमें एक होड़ लग गई थी, हमें एक्सपेंशन चाहिए, जर्मनी राज्य को इतना बड़ा बना देंगे हम, इटली को इतना बड़ा बना देंगे, तो इनमें जो होड़ लगी थी अपने राज्य को बड़ा करने की, उसका एक वजह ये भी है कि वो लोग रॉ मटेरियल की तलाश में थे। क्योंकि हम लोग देखते हैं जब कॉलोनाइजेशन हुआ था तो उसके अंदर क्या था, रॉ मटेरियल तो ढूंढ रहे थे वो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जगह ढूंढ रहे थे और मार्केट ढूंढ रहे थे जहाँ पे वो अपना सामान बेच सके। आठवीं बात करते हैं, आठवीं बात है रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस, और जो आपका आखिरी पॉइंट है, रोम कहाँ की राजधानी है, आपको पता है रोम के बारे में कुछ? रोम जो है वो आपकी इटली का कैपिटल है रोम, ठीक है। बर्लिन कहाँ है? बर्लिन जो है वो आपका जर्मनी की कैपिटल है। और टोक्यो, टोक्यो तो नाम सुना होगा आपने ज्यादातर, टोक्यो जो है वो आपका जापान की कैपिटल है और आज भी टोक्यो जो है जापान की कैपिटल है। तो इन तीनों के बीच में एक्सिस कैसे बना? देखो मैंने बताया कि तीनों के तीनों रॉ मटेरियल के भूखे, तीनों के तीनों जो हैं वो अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तीनों के तीनों में डिक्टेटरशिप, तीनों की तीनों सोच मिलती है, यानी कि दो क्या नाम है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वही काम हो गया यहाँ पर। यहाँ पर ये तीनों जो पावर्स थी, ये तीनों पावर की लगभग एक जैसी ही इनके साथ कॉन्स्पिरेसी खेली गई थी, इन तीनों के साथ एक जैसा काम हुआ था, ये तीनों ही फ्रस्ट्रेट थी इन बड़ी पावर से, क्योंकि ये बड़ी पावर सिर्फ अपना काम कराना जानती थी और किसी का काम करना नहीं जानती थी। इन तीनों पावर्स ने, इसी वजह से इन तीनों पावर्स का आपस में मेल हुआ, आपस में तीनों इकट्ठे हो गए। अच्छा, ये जो एक्सिस है ये पूरी तरह कब बना था? ये पूरी तरह जो एक्सिस है आपका 1936 में कब बना था? मैं कहूँ नवंबर 1936 में ये पूरा का पूरा एक्सिस है ये तैयार हो गया था। किस किस का? हिटलर का, मुसोलिनी का और जो जापान के मिलिटेंट डिक्टेटरशिप थी उनके बीच में ये पूरा का पूरा जो तैयारी है ये पूरी की पूरी हो चुकी थी। और इसी एक्सिस के तौर पर इन तीनों ने मिलके वर्ल्ड वॉर टू की लड़ाई लड़ी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर रहे वर्ल्ड वॉर टू के लिए और क्या क्या कारण थे वर्ल्ड वॉर टू के। इन कारणों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि भविष्य में कभी वर्ल्ड वॉर आगे ना हो, हम कभी भी किसी को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना कर दें, किसी कंट्री के साथ इतना ज़्यादा हार्श कंडीशन उसके ऊपर ना लगा दें कि उसके अंदर वो गुस्सा उबलता रहे और गुस्सा एक दिन सुनामी की तरह आए। सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या कॉजेज रहे वर्ल्ड वॉर टू के। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। दिस वॉज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।